और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, जो मोदी सरकार की सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है। देहरादून में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकारती है। बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ आयोजित, केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत, सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया में बढ़ा भारत का मान, मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कई विशिष्ट हस्तियों ने भी सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकारता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज दुनिया भारत को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के समकक्ष मानती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया में पिछले 9 सालों में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी है। एक सज्जन ने लिखा है, उनका नाम है डेनियल ई के, टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में भारत की प्रतिष्ठा उसे चीन से अलग करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में भारत चीन और अमेरिका को चुनौती दे सकता है। यानी भारत इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है कि चुनौती अमेरिका और चीन को भी दे सकता है। यह लोगों की भारत के बारे में धारणा है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति धारणा का बदलना, यह मैं समझता हूं कि सारे अचीवमेंट से मेजर अचीवमेंट है। वहीं सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना का मनोबल बढ़ा है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए हर स्तर पर क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य है कि आप सबके जरिए भारत सरकार की 9 वर्षों की जो यात्रा है, उस यात्रा को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि आप ही समाज का बहुमूल्य अलंकरण है जिसे समाज अपने मस्तक पर धारण करता है। पूर्व की सरकारों ने, जहां पूर्व सैनिकों की बात हो या हमारे प्रबुद्ध जनों की बात हो, उसको हमेशा नकारने का, तिरस्कार करने का काम किया है। लेकिन हमारी पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार हो या हमारा संगठन हो, उन्होंने हमेशा प्रबुद्ध जनों को सम्मान देने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आज भारत एक शक्तिशाली एवं सुरक्षित राष्ट्र बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी द्वारा सेना का मनोबल बढ़ाने और सेना को आधुनिक बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के क्रांतिवीर जवानों को सशक्त बनाने हेतु आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपका जो संकल्प है, वो सीएम धामी ने यह भी कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने हमेशा प्रबुद्ध जनों को सम्मान दिया है, इसलिए हमेशा की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रबुद्ध जनों का समर्थन बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की चुनावी जीत पहले से भी बड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वही केदारनाथ धाम के गर्भगृह में महिला के नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। केदारनाथ मंदिर का नया वीडियो हुआ वायरल।
गर्भगृह में महिला का नोट उड़ाता वीडियो वायरल। बद्री केदार मंदिर समिति ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। केदारनाथ धाम में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सोशल मीडिया में मंदिर के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नया वायरल वीडियो एक महिला का है जो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर नोट उड़ाती नजर आ रही है। इस वीडियो में मंदिर के पुजारी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई महिला को रोकता नहीं दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सोनप्रयाग कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर पर सोनप्रयाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी रुद्रप्रयाग ने कहा कि मामले की जांच के बाद जरूरी विधि की कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो है वो पूर्ण की जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण परत को लेकर विवाद अभी पूरी तरह थामा नहीं और गर्भगृह में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हो गया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि केदारनाथ मंदिर में कैसे बार बार आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर समिति ने इस मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए मुकदमा तो दर्ज कराया, लेकिन इस मामले में पुलिस जांच कर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर धामी सरकार ने अगले 25 साल की जरूरतों के मद्देनजर मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य में नई सड़कों के निर्माण की संभावना तलाशी जाएगी। एक विशेषज्ञ सलाहकार एजेंसी को इसके आकलन का जिम्मा दिया जाएगा। सड़कों के विकास पर फोकस करेगी धामी सरकार। राज्य में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर फैसला। विशेषज्ञ सलाहकार एजेंसी को दिया जाएगा जिम्मा। अगले 25 साल दिया जाए, इसके लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार एजेंसी को आकलन का जिम्मा दिया जाएगा। सलाहकार एजेंसी मुख्य रूप से दो बातों पर फोकस करेगी। पहला ये कि अगले 25 साल की जरूरत के हिसाब से राज्य में सड़कों के कितने विस्तार की जरूरत होगी, और दूसरा ये कि अगले 10 सालों में सड़कों के विकास की विस्तृत कार्य योजना जल्द तैयार की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़ी सौगात देने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरदार पटेल भवन का सीएम करेंगे लोकार्पण। एनसीओआरडी राज्य स्तरीय समिति के साथ बैठक करेंगे सीएम। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, विकास कार्यों को लेकर सीएम करेंगे चर्चा। अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं और विकास कार्यों को लेकर भी आप बड़ी सौगात देंगे सीएम। धामी देहरादून में ही मौजूद रहेंगे और उनके जो तमाम कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो सभी कार्यक्रम आज उनके देहरादून में ही रहने वाले हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 10:30 बजे जो है आज सरदार पटेल भवन का लोकार्पण आज उनके द्वारा किया जाएगा। एक कहा जा सकता है कि देहरादून में जो कोर्ट रोड स्थित सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया जा रहा है, एक बड़ी सौगात जो है यहाँ पर देहरादून को जिले को जो है इस को लेकर के मिलने जा रही है। वही ठीक इसके बाद 11:30 बजे जनपद जो चंपावत है जिसका खुद विधायक भी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और अगर बात की जाए कि जनपद का चंपावत को लेकर के वहां के विकास कार्यों को किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ाना है उसको लेकर के आज एक डॉक्यूमेंट का अनावरण और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी, जिसमें कि भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है इस बैठक में मौजूद होंगे और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक डॉक्यूमेंट के अनावरण के साथ साथ चर्चा भी की जाएगी। क्योंकि देखिए जब उपचुनाव हुए थे और खुद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़े मैंडेट के साथ चंपावत जिले से जीत करके आए थे। करीब 93% का मैंडेट जो है उनको मिला था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां की जनता से, जिले की जो जनता है उनसे ये वादा किया था चंपावत के विकास को लेकर के आने वाले समय पर जो चंपावत की जो चीजें हैं या फिर जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा। चंपावत को स्मार्ट सिटी बनाने की भी उनकी घोषणा उनके द्वारा घोषणा की गई थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की ये जो बैठक होगी और ये जो डॉक्यूमेंट का अनावरण किया जाएगा, आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा की जाएगी, तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पर कहेंगे कि 2025 तक जो धामी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है उसको लेकर के चंपावत के लिहाज से भी देखा जाए तो चंपावत को भी आने वाले समय पर कई बड़ी सौगातें मिलेंगी, चाहे वो रोड की हो या फिर जल की हो, पानी की हो, बिजली की हो समस्या है क्योंकि, और सड़कों की देखिए यहाँ पर बात की जाए तो रीसा बता दो कि सड़कों को लेकर के भी मुख्यमंत्री पहले ही चीज कह चुके हैं, सभी जो तमाम अधिकारी हैं उनके ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि 2025 तक उत्तराखंड की जो तमाम सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त की जाए। हालांकि अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है रीचा, क्योंकि सड़कें बनती जरूर है सड़कें बनने के बाद, लेकिन कुछ टाइम बाद ही फिर से उसमें कहीं किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन धामी सरकार का एक साफ संकल्प है, साफ तौर पर उन्होंने एक बात कही है आने वाले समय पर हर तरह से विकास के हर क्षेत्र में विकास की गंगा जो है उत्तराखंड राज्य में जो है वो 2025 तक बहनी चाहिए। और उसी को लेकर के लगातार देखा ये भी जा रहा है कि हर विभाग के जो अधिकारियों के साथ, विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। नहीं, 12:15 बजे NCORT की जो है राज्य स्तरीय बैठक भी होगी, जिसमें की बैठक के साथ साथ विभागीय सचिव विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और 1:30 बजे मॉनसून सीजन से पूर्व और जो वृद्ध जल संरक्षण अभियान चलाकर जो संरक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध निर्माण कार्य जो चल रहे हैं विभिन्न विभागों में उसको लेकर के भी बैठक की जाएगी, सचिवालय में ये बैठक होगी। 1:30 बजे भी बैठक शुरू होगी और इस बैठक में भी विभाग के सचिव मौजूद रहेंगे और विभाग के तमाम जो अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए रीता, तो आपके जो तमाम उनके कार्यक्रम है देहरादून में ही रहेंगे और महत्वपूर्ण बैठकें उनकी है, चंपावत जिले को लेकर के है, जल योजना से संबंधित उनकी बैठकें हैं, तो आज कुल जो कार्यक्रम है वो आज देहरादून में ही होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से जानकारी दी है अशोक, सबसे बड़ी बात है कि देखिए 25 का जो लक्ष्य रखा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि 2025 तक उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, राज्य को विकास करना है राज्य का। वहीं 24 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है, तो चुनाव को देखते हुए ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये जो बैठकें हो रही कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर रीचा ये जरूर कहेंगे कि 2024 का जो चुनाव तो है वो नजदीक है, ये सबसे बड़ा मिशन है ये 2024 का लोकसभा का, और उसको लिहाज उसके लिहाज से देखा जाए तो धामी सरकार यहाँ पर अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क का अभियान भी इस समय चल रहा है, 30 मई से शुरू हो चुका है और 30 जून तक चलेगा। आज से इस अभियान की शुरुआत जो है घर घर जाकर के जिन वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो घर घर जाएंगे, घर के मुख्य सेवक से मुलाकात करेंगे और डबल इंजन सरकार की जो योजना है उनके उसके बारे में जनता को बताएंगे भी, घर के परिवार को भी बताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद को के लिए आशीर्वाद और उनसे अपील की, उनका समर्थन की अपील भी की जाएगी निश्चित तौर पर कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आज के इस बैठकों की बात की जाए तो इस बैठक की जो मुख्य एजेंडा है वो 2025 का जो लक्ष्य है उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का, उसके अनुसार इस बैठकों को देखा जा सकता है, क्योंकि ये तमाम जो बैठकें हैं पूरी की पूरी आने वाले समय पर विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी, इसमें चाहे जल योजना को लेकर के जो बैठक करीब 1:30 बजे की होगी और चाहे चंपावत जिले की होगी। चंपावत जिले की देखिए इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात कह रहा हूँ क्योंकि खुद चंपावत के विधायक भी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्मार्ट सिटी बनाने की भी चंपावत को घोषणा की जा चुकी है और जब जब उनका चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक अधिक जानकारी देने के लिए। वहीं देखिए देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 95 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित थे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी, नगर निगम और MDDA संबंधित समस्याएं थी। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके इसकी निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
करीबन 95 प्लस शिकायत कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, जिसमें बिजली, पानी और बाकी चीज़ों से बाकी चीज़ों की थी ही, प्लस लैंड की जो होती है हमारे पास उसमें वो आई थी। कोशिश की है कि कंसर्न के पास चले जाए। कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि दो लोगों के म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से, अदरवाइज बाकी सारी कंप्लेंट्स हमारे यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं इसमें, क्योंकि रजिस्ट्री गलत हो गई, किसी ने एक की दो बार रजिस्ट्री कर दी, जो कि मोर और लेस सिविल के इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर किसी का कब्ज़ा नहीं हुआ, फिर इस तरह के बहुत अलग अलग, बहुत ही मतलब डिटेल में अगर जाएं तो बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। और वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह रुड़की पहुंचे, जहाँ उन्होंने राष्ट्रीय सोनिक संस्था रुड़की इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने देश के सम्मान में राष्ट्रीय सैनिक संस्था मैदान में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रभक्ति कभी खत्म नहीं होती और जो पूर्व सैनिक रिटायर्ड होता है वो अपने आप में नेचुरल लीडर्स होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही कार्यक्रम में पहुंचे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि संत अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं और सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। और वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रवास के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के कंडार कुबा में महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन शेयर कर भोजन किया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत भी हुई। पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोर पुलिस जवान समेत अन्य जिलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के बंद पड़े घरों के ताले तोड़ रहे हैं और उनमें पहले खाना बनाकर खाते हैं, फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मामला पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक का है, जहाँ चोरों ने मन यारस्यू क्षेत्र के गाँव में तीन अलग अलग घरों में हाथ साफ कर डाला। इससे पहले चोरों ने रसोई में खाना बनाया और जमकर दावत उड़ाई और फिर जो सामान हाथ लगा उस पर हाथ साफ करके फरार हो गए। पुलिस कल रात को अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ सुराल गांव में चोरी की गई है, जिसमें तीन घरों के ताले तोड़े गए हैं और चोरों द्वारा वो चांदी के कुछ जेवर और तांबे की गागर चोरी किए गए हैं, जिसमें चोरों द्वारा संगठित तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। लोग भी अब मौके पर आ गए हैं, जिनके घरों के ताले तोड़े गए हैं वो घर पर पहुंच गए हैं, उन्होंने तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे जांच की जाएगी और इसका चोरी का पर्दाफाश किया जाएगा। अभी जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे सारा सामान अस्त व्यस्त मिला और खाना बनाया हुआ था उनका, जिसमें एक गागर और कुछ चांदी का सामान था, वो गायब मिला है। ऊपर भी दरवाजा खुला है, ये लोग तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।